और हमारी संडे स्पेशल थाली है, इस तरीके से आप लोग भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से हम थाली के लिए सजाएंगे और पूरा आइटम किस तरीके से बनाएंगे, तो आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूं शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक घंटे डेढ़ घंटे राइस को गलाएंगे तो बहुत अच्छे से खिलता है, राइस हमारा बहुत अच्छा पकता है। तो चलिए, और इसको गलाने से पहले एक दो पानी से धोना है, उसके बाद में जब आप डालेंगे तो उसमें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको दो से तीन पानी से आपको धोना है अच्छे से। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं राइस बनाएंगे हम बिरयानी का। राइस और पुलाव, बहुत सारे आइटम बना सकते हैं इसे जो पकाएंगे हम राइस। तो उसके लिए सबसे पहले क्या हमारे पास छोटी इलायची है, दालचीनी श्रमिनिस्टिक बोलते हैं, काली मिर्च, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, कार्डमम और लौंग, स्टार फूल और जावित्री। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम। जैसे कि हमने पानी चढ़ा रखा है, इसको अच्छे से हमने पका लिया है और इसके अंदर सारे खड़े के अंदर हमने 10-12 पीस छोटी इलायची ली है, 4-5 पीस हमने बड़ी इलायची ली है, श्रमिनिस्टिक लिया है 4-5 पीस, तेज पत्ता के 4-5 पीस डाले हुए हैं, काली मिर्च और जावित्री, स्टार फूल 4-5 पीस, थोड़ा थोड़ा सा डाले। और आप लोग अगर घर पे बनाते हैं तो 2-2, 3-3 पीस डाल सकते हैं इसमें। और आपको अच्छे से पकाना, जैसे कि हम चाय पकाते हैं, चाय का पूरा कलर आ जाता है उसके बाद दूध डालते हैं, इस तरीके से इसको पकाना, पूरा कलर आना चाहिए। और इसका फिर हमें ये निकाले, पूरी इसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम राइस पकाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरीके से अच्छे से पकाना है, पूरा फ्लेवर आना चाहिए, जैसे चाय पत्ती को निचोड़ लेते हैं इस तरीके से पूरा इसका फ्लेवर आ जाने चाहिए उसके अंदर, फिर आप लोग राइस खाएंगे, बहुत मज़ा आता है इसमें। और ये दम का पुलाव बनाएंगे इससे हम, और बिरयानी में तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में, आप इसका बिरयानी का राइस भी बना सकते हैं। और सारा वो निकाल लिया है जो भी मसाले थे और इसको छान लिया, अब इसके अंदर हम राइस डालेंगे। सारा बिल्कुल देखो पूरा कलर इसके अंदर आ गया है, और अब हल्का सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। और आप लोगों पहले भी बताएं कि आप जितना राइस बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें डालें, आप अगर 100 ग्राम राइस बना रहे हैं, 200 ग्राम बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप पानी चढ़ाएं और उसी हिसाब से आप इसलिए राइस में दम मारते हैं। तो अगर आप 250 ग्राम राइस लेते हैं तो 1 से 1.5 लीटर पानी आपके लोगों इसको पकाने के लिए लगेगा, राइस उसके अंदर सूखना चाहिए पानी के अंदर, उसका हमें राइस का जो पानी है वो निकालना नहीं है, उसी के अंदर हमें दम लगाना है। तो आप लोग देख लीजिए कि आपका गीला ना हो, अगर आप लोगों को लग रहा है तो हल्का सा गीला हो रहा है तो आप उसमें से निकाल दीजिए। और चलिए हम राइस डाल देते हैं, और देखिए इस तरीके से राइस डाल देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारा बिरयानी का राज क्या होता है, हमारी बिरयानी क्यों अच्छी बनती है, पुलाव क्यों अच्छा बनता है। तो ये राज है, तो आप लोग भी ये राज जरूर अपनाइएगा, आप लोग होटल जैसा खाना बना सकते हैं। चलिए, हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दिखाते आप लोगों को पकने के बाद, दिखाते राइस के लिए इसमें केवड़ा जल डालेंगे और गुलाब जल, तो एक एक टी स्पून, और आप लोग क्वांटिटी में बनाते तो एक एक टी स्पून ज़्यादा हो जाएगा, हाफ टी स्पून डालना है आप लोगों के लिए, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। और इस तरीके से हम दम मारेंगे ली है और इसके अंदर हम दम लगा इस तरीके से पैक कर लेंगे। आप लोगों ने देखा किस तरीके से ड्राई हो गया था राइस, इस तरीके से हम पैक कर लेंगे और इसको स्लो फ्लेम में, एकदम स्लो फ्लेम में हम दम लगाएंगे। 10 मिनट में आपका राइस पक जाएगा और फिर आप उसको निकाल लीजिए और फिर उससे आप बिरयानी बनाइए या आप लोग जो भी पुलाव बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ऐसे ही खाना चाहते हैं ऐसे ही खाइए। और चलिए रेडी, और आप लोगों रेडी होते ही जैसे भी आप दम लग जाएगा फिर दिखाते हैं। राइस पक चुका है और इस तरीके से बिरयानी और पुलाव जो भी आप लोगों बनाने इस तरीके से बना सकते हैं, और देख खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और इस तरीके से पूरा अलग अलग हो जाएगा आपका राइस, और देखिए इस तरीके से पूरा अलग अलग देखिएगा। हल्दी डाली और लेडल के अंदर हमने हल्का सा हल्दी पकाएंगे, जो हमने राइस रखा इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इससे पूरा कलर आ जाएगा हल्दी का। हल्दी है टर्मेरिक पाउडर, और टर्मेरिक पाउडर इसके अंदर,
तो चलिए, और इस तरीके से आप लोग भी देखिए इसको आप मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, पूरा हमारा वो कलर अच्छा कलर आ जाएगा। और इसके अंदर हम कश्मीरी चिल्ली डालेंगे कलर करने के लिए, और इसको पहले घी को गर्म कर लेंगे और हल्का सा गर्म करके इसके अंदर कश्मीरी चिल्ली। इस तरीके से हमने कश्मीरी चिल्ली डाली, आप लोग जरा जरा से बनाएंगे तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाया है। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम उसके अंदर मैगी मिला देंगे, हम डाल लेंगे और हमारा इसके कलर भी नहीं और हमारा कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, हमने कलर भी यूज नहीं करा। और हमारे कश्मीरी चिल्ली से इस तरीके से आप लोग अपने पुलाव का आप लोग इसको मिक्स करेंगे हम इस तरीके से, तो हमारा बहुत अच्छा कलर आएगा जब हम मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से जैसे ग्रीन है, इस ग्रीन दिखेगा, रेड दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। और इसको थोड़ी देर के बाद करें, तुरंत ना करें, इसको थोड़ी देर डाल कर रखें और मिक्स थोड़ी देर के बाद करेंगे तो आपका राइस अलग अलग दिखेगा। मैं अंदर हमने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला हुआ है, फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून हमने देसी घी लिया है, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, डाला जो भी वेजिटेबल आप डाल सकते हैं इसमें, सॉल्ट, इस तरीके से राइस डाल लेंगे। दिखाता है कि हमने कश्मीरी मिर्च डाली हुई है, उससे रेड हो जाता है और येलो, और ये हमारा वेजिटेबल पुलाव रेडी। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और इसके अंदर कोई फूड कलर नहीं, कश्मीरी मिर्च से हमने ये कलर बनाया है, हल्दी कश्मीरी मिर्च, और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है पुलाव। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, तो इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है भाई। चलिए थैंक यू, देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो हमारा पुलाव रेडी। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं पुलाव। तो चलिए, हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू। इस तरीके से और उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा बनाने के लिए, तो सबसे पहले कि सारे मिक्स वेजिटेबल हैं इसके अंदर और आप लोगों को बताते हैं, तो चॉप ग्रीन चिल्ली, चॉप गार्लिक, कोरिएंडर और सारी इसके अंदर ग्रीन पीस, गाजर, बीन्स, गोभी एंड कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और रेड येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, सारे तीनों कैप्सिकम हैं, और तो आपके पास जितनी भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, और येलो ग्रेवी जिसकी लिंक आप लोगों हम वीडियो में दे देंगे, बटर, क्रीम, सॉल्ट, कसूरी मेथी और कश्मीरी मिर्च, कोरिएंडर, सॉरी टर्मरिक पाउडर और किचन किंग मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला। तो चलिए आप लोगों दिखाते हैं आगे बना के, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक सब्सक्राइब कर लें। जी गायों का मेला और उसकी रेसिपी बताने जा रहा हूँ। देखिए हमने इसमें ऑयल लिया है करीब 1 टेबल स्पून और 1 टी स्पून गार्लिक डाला है और 1 टी स्पून चॉप ग्रीन चिल्ली। इसमें हम वेजिटेबल गार्लिक इस तरीके से हो जाएगा, हम वेजिटेबल डाल देंगे सारे मिक्स वेजिटेबल और इसके साथ में टॉस करेंगे। इसमें कोरिएंडर, सॉरी टर्मरिक पाउडर डालेंगे 1/2 टी स्पून, 1/2 टी स्पून इसमें हम कश्मीरी चिल्ली डालेंगे और 1/2 टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, स्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टी स्पून किचन किंग मसाला, 1/2 कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टी स्पून इसके अंदर हम कस्तूरी मेथी, इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम चॉप मसाला डालेंगे और इसकी भी लिंक आप लोगों को हम दे देंगे। और चलिए, हमारे सब्जियों का मेला और काफ़ी टेस्टी होती है, लाइक जरूर कर लीजिए। हमने येलो ग्रेवी डाली इसमें 2 टेबल स्पून, और देखिए हमारी सब्जियों का मेला और सारी सब्जियाँ मिक्स है बेसिकली, और इस देश को सब्जियों का मेला बोला है, बहुत सारी सब्जियाँ इकट्ठी कर दी तो मेला लग गया। अब इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे 1 टेबल स्पून, काफ़ी टेस्टी होती है खाने के अंदर, बहुत ज़रूरी होती है, खाने का बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है, और ये मार्केट में फ्रेश क्रीम भी मिलती है और ये आप लोगों रेडीमेड भी आ जाएगी। और ये हमारा सब्जियों का मेला रेडी है, और देखिए हमारी सब्जी रेडी है, और चलिए हम इसको आप लोगों को गार्निशिंग करके दिखाते हैं। लास्ट में थोड़ा सा 1 टी स्पून हम बटर डालेंगे और रेडी। चलिए आप लोगों दिखाते हैं इस तरीके, हम इसको गार्निशिंग करके दिखाएंगे आप लोगों के लिए और रेडी। और चलिए हम गार्निशिंग कर लिए, और इस तरीके से आप लोग भी रेडी कर सकते हो। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है सब्जियों का मेला, और बहुत ही टेस्टी होता है, तो
तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमने जो थाली के अंदर आप लोगों 6 से 7 आइटम दिखाए हुए हैं वो काफ़ी टेस्टी हैं, तो ज़रूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में दम आलू भोजपुरी। तो चलिए, दम आलू भोजपुरी बनाने के लिए हमने येलो ग्रेवी, चौम मसाला और ये आलू जो छोटा वाला आलू होता है उसका हमने दम में सेक लिया। आप फ्राई भी कर सकते हैं और आप जो कंडे होते हैं उसके अंदर भी पका के आप इस तरीके से दम में बना सकते हैं आलू के लिए। तो इसके लिए हमने तेल में फ्राई किया है ऑयल में, तो स्लो बिल्कुल आपको मीडियम ऑयल में डालना है। एकदम ज़्यादा फास्ट ऑयल होगा, गर्म होगा तो आपका जल जाएगा, पकेगा नहीं। तो आपको एकदम स्लो ऑयल में डालना, ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए ऑयल। तो चलिए, और ये पांच मसाले इसके अंदर हैं। सौंफ, और इसके अंदर सौंफ है, मेथी है, जीरा है, कलौंजी है, और इस तरीके से 5 मसाले बनते हैं इसके। और क्रीम, कर्ड, आलू आप लोगों को दिखाया, और किचन किंग मसाला, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर और गरम मसाला, बटर। और आप सबसे पहले दम आलू भोजपुरी बनाने जा रहा हूँ, जिसके लिए हमने ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, गार्लिक 1 टी स्पून, चिल्ली 1 टी स्पून। दम आलू भोजपुरी जो होता है स्पाइसी होता है, कड़ी पत्ता डाला हमने, रेड चिल्ली होल डाली और ग्रीन चिल्ली, और 5 मसाले 1 टी स्पून जो आप लोगों को दिखाए थे हमने, 5 मसाले हैं, 5 मसाले हैं, 1 पाउडर जरा सा डालेंगे, 1/2 टी स्पून का मतलब 1 ग्राम, और बटर डालेंगे थोड़ा सा, मसाले जलना है यहाँ इसलिए हल्का सा बटर, और हम इसमें आप चौम मसाला डालेंगे जो कि आप लोगों को दिखाया था मैंने, और कर्ड, दही डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और येलो ग्रेवी जो कि आप लोगों को दिखाई थी मैंने, कि येलो ग्रेवी डालेंगे इसमें हम 100 ग्राम समथिंग डालेंगे। सामने किचन किंग मसाला 1/2 टी स्पून, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टी स्पून, और जो हमने दम आलू पका के रखे थे हम ये डाल देंगे इसके अंदर, पकाएंगे थोड़ी देर, और काफ़ी टेस्टी होता दम आलू। और डालेंगे स्वाद अनुसार, हमने 1/2 टी स्पून डाला है, और दम आलू भोजपुरी। लाइक करना मत भूलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर है क्रीम तो आप डाल दीजिए इसके अंदर, नहीं है तो कोई बात नहीं, घर की मलाई भी चलेगी। और चलिए, थोड़ा सा हमने रोगन डाला इसके अंदर, और चलिए आप लोगों को गार्निशिंग करके दिखाते हैं दम आलू भोजपुरी। चलिए हम इसको गार्निशिंग करके दिखाते हैं, हमने बॉल में डाला दम आलू भोजपुरी, और आप लोग अगर इसको थाली में यूज करें काफ़ी टेस्टी होता है। और चलिए, इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी है, और दम आलू भोजपुरी ज़रूर बनाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम गार्निशिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं, और लाइक करना मत भूलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू। चलिए, दम आलू भोजपुरी आप लोगों को बताया था स्पाइसी होता है, और तो हमारा दम आलू भोजपुरी रेडी इस तरीके से। आज की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में, मैं लौंग लता पनीर की रेसिपी, और जिसको हमने इस तरीके से बनाया है, और देखिए, और पनीर की और लौंग लता के लौंग लगा के रखी है। तो चलिए, हमें लौंग लता बनाने के लिए हमने ग्रीन चिल्ली चॉपिंग कर चॉप, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, कोरिएंडर, रेड ग्रेवी जिसके आप लोगों में लिंक वीडियो में दे देंगे, और कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, और गरम मसाला, किचन किंग मसाला, टर्मेरिक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, और कश्मीरी मिर्च और सॉल्ट, और क्रीम आप लोगों दिखाते हैं, बटर और क्रीम। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं बनाना, और आप लोग हम मावा को मिक्स कर लेते हैं। दूध मसाला डाला किसमें जो हमने दिखाए थे आप लोगों को लिए ड्राई फ्रूट बोर्ड में, हमने इसमें मिक्स करे, और थोड़ा सा पनीर डालेंगे, 1 टी स्पून हमने पनीर डाला, 2 टी स्पून हमने इसमें मावा लिया है, 1/2 टी स्पून इसमें हमने बादाम किशमिश और वो डाला है,
और दूध मसाला एक टीस्पून, और ये रेडी इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप लोग रेडी कर सकते हैं, और ये रेडी है, और आपको रोल करके दिखाते हैं हम, लौंग लता का जो पनीर होता है उसको रोल करेंगे इस तरीके से, माइक्रो मार लेंगे और इसको हम रोल करेंगे। ये देखिए देखिए इस तरीके से हम इसको रोल करेंगे, आप लोग दिखाते हैं, और इस तरीके से हम रोल करेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से हम रोल कर लेंगे, और ये पनीर लौंग लता के लिए इस तरीके से रोल करेंगे, इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे, और इस तरीके से लौंग लगाएंगे हम, और ये पनीर लौंग लता हमारा रेडी। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों को दिखाया, इस तरीके से पीस कर लेंगे हम, और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो एक पीस, और इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, और ये ठंडा हो जाएगा, और इस तरीके से हम काट लेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से हम काट लेंगे। हमने ऑयल लिया है और हम बना रहे हैं पनीर लौंग लता, तो चलिए, और इसे हमने एक टी स्पून गार्लिक लिया, चॉप ग्रीन चिली एक टी स्पून, ग्रीन चिली एक टी स्पून, इसके अंदर में एक टी स्पून गार्लिक डाला है, और एक टी स्पून हमने चॉप ग्रीन चिली डाली है, और पनीर लौंग लता, और चलिए, और रेड चिली करीब 4 टेबल स्पून ग्रेवी ली है, और रेड ग्रेवी जिसकी लिंक आप लोगों को हम वीडियो के उसमें दे देंगे, और चलिए, तो हमने बनाई, इससे 4 से 5 लोग खा सकते हैं, और 4 से 5 थाली इसमें बन जाएंगी आपकी। कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, किचन किंग मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, शक्कर 1 टीस्पून, और इसमें हमने ये लौंग पाउडर डाला है, आप 1 से 2 लौंग पीस के इसमें डाल सकते हैं, सेकने के बाद में पीसना है लौंग के लिए, और एक्चुअली इसका नाम है जो पनीर लौंग लता है, तो लौंग का फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए लौंग आप 1 से 2 लौंग पीस के इसके अंदर डाल दीजिए, और 1 टेबल स्पून इसमें हम क्रीम डालेंगे, फ्रेश क्रीम, और ये हमारा पनीर लौंग लता रेडी। और इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो, ग्रेवी की लिंक आप लोगों को हम वीडियो को उसमें दे देंगे, आप लोग देख लीजिए, और काफ़ी सारी ग्रेवी हमने डाल रखी है, और कोरिएंडर डाला हमने 1 टीस्पून, और हमारा पनीर लौंग लता रेडी। हमने 1 टीस्पून इसमें हमने बटर डाला, और 1 टीस्पून घी डालेंगे, घी ये एक्चुअली मुगलाई खाना है और काफ़ी टेस्टी होता है, इसमें 1 टीस्पून हम देसी घी डालेंगे, और देखिए, और रेडी, और काफ़ी टेस्टी होता है देसी घी से, तो एक्चुअली ये मुगलाई खाना है, देसी घी होना ही चाहिए, और चलिए रेडी। और पनीर का एक्चुअली हम ऊपर से लगाएंगे पीस, और पनीर हमारा ऑलरेडी गर्म है, और ना सर जो हमने बनाया वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम पनीर ऊपर से लगाइए, जो हमारा वो स्टार्टिंग करा हुआ पनीर है उसको हमने रोल करा है, वो ख़राब हो जाएगा अगर इसके अंदर डाल के हिलाएंगे तो। चलिए आप लोग गार्निशिंग करके दिखाते किस तरीके से हम पनीर सर्व करेंगे, इसका लौंग पनीर लौंग लता इस तरीके से हम लगा लेंगे, देखिए, और इस तरीके से होना रखना चाहिए, और देखिए आप लोग दिखाया था स्टार्टिंग करा हुआ है, और इस तरीके से, और आप लोग दिखाते हैं, चलिए, और देखिए, और काफ़ी टेस्टी होता है ये, बना के देख जरूर ट्राई करिए। चलिए इस तरीके से हम गार्निशिंग कर लेंगे, देखिए, और काफ़ी टेस्टी होता है, तो हमारी रेसिपी अच्छी तो लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थोड़ा सा हम इसमें रोगन डालेंगे, जो कि हम बनाते जब भी चॉप मसाला बनाते उसमें रोगन निकलता है, इस तरीके से थोड़ा सा दिल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थोड़ा सा हम इसमें रोगन डालेंगे, जो कि हम बनाते जब भी चॉप मसाला बनाते उसमें रोगन निकलता है, इस तरीके से थोड़ा सा रोगन डालेंगे, और हमारा पनीर लौंग लता रेडी। चलिए हमारा पनीर लौंग चलिए इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे, हमने कट लिया है, और 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा इतना रायता, और पाइनएप्पल रायता के आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, पाइनएप्पल रायता 3 टेबल स्पून हमने इसमें शक्कर डाली हुई है, और चलिए इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, इसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं, और शक्कर इसकी घुल जानी चाहिए अच्छे से पाइनएप्पल रायते के लिए। और इसके अंदर हम जरा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून का 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर वाइट पेपर 1/2 टीस्पून का 1/2 टीस्पून, और चलिए हमने वाइट पेपर डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम पाइनएप्पल डालेंगे, और पाइनएप्पल रायता कंप्लीट। चलिए हमने चॉप पाइनएप्पल जो लिया था चॉप पाइनएप्पल डाल दिया इसके अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं हमारा पाइनएप्पल रायता रेडी, और इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं।
और काफी टेस्टी होता है पाइनएप्पल रायता। और देखिए हमारा पाइनएप्पल रायता रेडी हो, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं और काफी सादी सिंपल। चलिए आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में ग्रीन पेटीज, और जो कि आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ग्रीन पेटीज, तो हमें क्या क्या लगे उसके लिए हम देख लेते हैं। ग्रीन पीस है जिसको हमने मटर बोलते हैं और उसका हमने क्रश कर लिया है ग्रीन पीस के लिए, और पटाटो जिसको हमें ग्रेट करके रखा है, चॉप ऑनियन एंड चॉप गार्लिक, चॉप ग्रीन चिल्ली, जीरा क्रश करके रखा है, रोस्टेड जीरा है जिसको हमने क्रश करके रखा है, और ब्लैक पेपर जिसको हमने क्रश कर लिया है, और वाइट पेपर। तो चलिए हम रेडी करते हैं। चलिए हमने चार पटाटो को ब्लांच करके उबाल कर और इसको हमने ग्रेट कर लिया है, करीब 250 ग्राम है। हमने एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम ग्रीन पीस सौते करेंगे, और एक टेबल स्पून हम इसमें गार्लिक डालेंगे, एक टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑनियन डालेंगे चॉप ऑनियन, एक टी स्पून हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, इसके अंदर हम ग्रीन पीस डालेंगे, करीब 150 ग्राम ग्रीन पीस लिया है हमने, और टेबल स्पून से बताऊँगा आप लोगों को ये चार टेबल स्पून है, और इस तरीके से सौते करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें सौते करना है ग्रीन पीस, सबसे पहले गार्लिक और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। एक टी स्पून जीरा डालेंगे, टिका हुआ रोस्टेड जीरा होता है हमने वो, एक टी स्पून हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे, और ये 8 से नहीं करेंगे यही करेंगे तवे पे। और चलिए आप लोगों दिखाते हैं इस तरीके से हम टिक्की बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हम दबा लेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे हम इसकी टिक्की बना लेंगे इस तरीके से, और आप लोगों बड़े आसानी से बना सकते हैं। और ये हमारी टिक्की रेडी, ये देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे और हमारी टिक्की रेडी, और आराम से आप लोगों दबाना है, और बहुत ही टेस्टी लगती खाने में, बहुत अच्छी है और बहुत टेस्टी लगती है। चलिए हमारी टिक्की रेडी हो, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, और इसको हम आप लोगों को ग्रिल करके दिखाते हैं, और इसमें ऑयल लगाने की भी जरूरत, ग्रिल करने के बाद में आप इसको निकाल लीजिए, दोनों साइड से आपको पकाना है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं तरीके से पकाना है। चलिए इस तरीके से हम पका लेंगे, ये देखिए, और ये हमने पलटी कर लिया और इस तरीके से पक जाएगा, और इस ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगा इसके अंदर, ऑयल फ्री है, यही टेस्टी होता है वो आप लोग देखेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, और चिल्ली पाउडर अगर आपके पास टबस्को सॉस है 8 to 8 और टबस्को है तो आप डाल दीजिए, ना तो थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और चिल्ली पाउडर डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर मिक्स किया है। और चलिए इसका सब मिक्स कर लेते हैं, किस तरीके से सर्व कर सकते हैं आपको बताते हैं हम। ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसमें गार्निशिंग कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया देखिए, और ये, और चलिए हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, टिक्की रेडी इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, और हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए आज की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में मैं जोकोशाही की, तो जोकोशाही बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा देख लेते हैं। हमने 500 ग्राम मावा लिया है, और इलायची पाउडर, और 75 ग्राम हमने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, और शक्कर चाशनी के लिए करते हो आप लोगों दिखाते हैं। इसके अंदर हम ये जो 75 ग्राम हमने कॉर्नफ्लोर लिया है मिक्स कर देंगे 500 ग्राम में, और इसके अंदर आपको सोडा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनेगा। और चलिए आप लोगों को दिखा दें, ना बेकिंग पाउडर ना सोडा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, जोकोशाही बना सकते हैं, इससे बहुत सारे आइटम बना सकते हैं, लांचा बना सकते हैं, काला जामुन बना सकते हैं, गुलकंद बाटी बना सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें हमें 1 टी स्पून इसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे, और
एक टीस्पून हमने इलायची पाउडर निकाल कर ये मिक्स कर देते हैं। जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके लिए मिक्स आटे की तरह जो लगाया है इस तरीके से, और आप लोगों को दिखाते हैं बना के। चलिए इस तरीके से हम छोटी छोटी गोली तोड़ लेंगे, इस तरीके से हम गोल कर लेंगे छोटी छोटी, और इस तरीके और आप लोगों को दिखाते हैं सेक के जोको साई के लिए। चलिए हमने घी लिया है, जो घी आपका ज़्यादा होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना आपके वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और सिकेंगे नहीं। तो घी आपका हमेशा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल जरा गर्म होना चाहिए, उसको एकदम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे हम, और बहुत अच्छा पकेगा। और हमारा गुलाब जामुन देखिए बिल्कुल बढ़िया सिक चुका है एकदम स्लो फ्लेम में। चाशनी इस तरीके से थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए, और देखिए हम इस तरीके से चाशनी के अंदर डाल देंगे जोकोशाही, और ये हमारी जोकोशाही है, और इस तरीके से बनाना, और देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है जोकोशाही, और आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए और इस तरीके से बनाना, और देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है जोको। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम जोकोशाही के लिए में हम बनाएंगे रबड़ी बनाएंगे, ताकि हमने 1 लीटर मिल्क लिया है, और इसके अंदर हम 100 ग्राम शक्कर डालेंगे, और करीब हमारी 250 ग्राम रबड़ी बन जाएगी इसमें। तो चलिए हम पका लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं जोकोशाही की रबड़ी। तो चलिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया, और हम इसके अंदर अच्छे से उबल जाएगा, उसके बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे, 100 ग्राम कर डालेंगे। एक्चुअली हम जोकोशाही के लिए बना रहे 1 लीटर दूध लिया है। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा उसके बाद इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे। तो जोकोशाही की रबड़ी बना रहा है, और जोकोशाही की रबड़ी जो है थोड़ी मीठी कम होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी चाशनी होती है गुलाब जामुन की जो चाशनी। इस तरीके से उबलने लग गया, और इसके अंदर हम 100 ग्राम शक्कर डाल देंगे, और आपको दिखाते हैं। और ये हमने 100 ग्राम शक्कर डाल दी इसके अंदर, ये देखिए, और इसको अच्छे से पकाएं हमारी लगभग रबड़ी रेडी होने वाली है, और अब आप लोग दिखाते हैं कि रबड़ी रेडी हो, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, ये देखिए। और इस तरीके से हमारी रबड़ी रेडी, उसके बाद में आप लोगों को दिखाएंगे जोकोशाही किस तरीके से बनाएंगे। चलिए लाइक आप लोगों को दिखाते हैं जोकोशाही कैसे बनाएंगे। हमने रबड़ी बना ली, और अंगूरी गुलाब जामुन जिसको जोकोशाही के लिए गुलाब जामुन बनाया छोटा वाला हमने, और देखिए और रबड़ी। तो चलिए आप लोगों को रेडी करके दिखाते किस तरीके से रेडी करेंगे। ध्यान रखें कि इसमें जो हम गुलाब जामुन ले रहे हैं इसके अंदर चाशनी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें रबड़ी डालेंगे और हम इसको निकाल देंगे, चाशनी निकाल देंगे इस तरीके से, बिल्कुल चाशनी हटा देंगे इसकी हम, और चाशनी नहीं होना चाहिए, और दिखा चाशनी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, चाशनी हटा देंगे। और हम इसको गुलाब जामुन डाला, और हम रबड़ी डालेंगे, देखिए, और हम रबड़ी डाल देते हैं इसके अंदर, रबड़ी डालेंगे, और इस तरीके से रबड़ी। चलिए इस तरीके से चलिए आप लोगों दिखाते ग्रीन सलाद आप बढ़िया सुंदर से कैसे काट सकते हैं। तो चलिए आप लोगों दिखाते हैं, और डिजाइन बन जाएगी, और इसको हम आप लोगों दिखाते हैं, और ऐसे हम कुकुम्बर के लिए कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, और फिर काटेंगे तो काफ़ी अच्छी डिजाइन दिखती है हमारी उसमें सलाद में। इसको हम 1 के 2 कर लें पत्ता गोभी के लिए, 1 के 2 कर लेंगे इस तरीके से, 2 कर लेंगे, और ऐसे 2 पीस करके, और इसके हम इस तरीके से ये निकाल लेंगे, और आप लोगों दिखाते कमल के फूल बन जाएंगे इसमें, हम काट लेंगे, देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे 1-2 पत्ते इस तरीके से हम लगा लेंगे ऐसे, और ऐसे ये देखिए, और हमारा पूरा कमल के सेम में दिखने लग जाएगा इस तरीके से, ये देखिए, और देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे ऐसे, और ऐसे ही हम गाजर को काटेंगे इस तरीके से, देखिए, और ये आसानी से काट सकते हैं, जैसे हम जमा लेंगे, देखिए टमाटर लगा देंगे,
और इस तरीके से हम लेमन काट लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने काट लिया इसके लिए, और इसको हम थोड़ा सा डिजाइन के लिए इस तरीके से लगा देंगे, और ये हमारा लेमन रेडी है देखिए। तो इस तरीके से आप लोग भी लगा सकते हैं ग्रीन सलाद, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और आप लोग इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से हम फोल्ड कर लें पापड़ को, देखिए और काफ़ी सुंदर देखिए। तो चलिए इस तरीके से हम रोटी जैसा बेल लेंगे, और आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से हम इसके लच्छे बनाएंगे। इस तरीके से हम इसमें बटन लगा लेंगे लच्छा करने के लिए, और देखिए बैक साइड में हल्का सा हमने आटा लगाया और देखिए इसमें, और इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। और चलिए आप लोगों को दिखाते किस तरीके से लच्छा बनाएंगे, देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ये, देखिए इस तरीके से बड़े आराम प्यार से इस तरीके से करना है, और आपका काफ़ी अच्छा लच्छा पराठा बनेगा इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से आराम से फोल्ड करना आप लोग देख सकते हैं, और इसको हम बेल के तवे पे सेकेंगे लच्छा पराठा, और ये रेडी। और इस तरीके से इसको फोल्ड लेंगे, इस तरीके से हम इसको बेलेंगे, और इस तरीके से बेल लेंगे, देखिए उल्टी साइड से बेलना हमें। और जब भी लच्छा बनाएंगे तो इसे तेल लगाना है लच्छा बनाने के लिए, और आप इस तरीके से दबा लेंगे, और आपको दिखाते हैं कि हम उल्टी साइड से इसको बेलेंगे ताकि हमारे लच्छे बराबर है, हम इस साइड से बेलेंगे। और देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे और अब इसको हम बेलेंगे, और ये हम उल्टी साइड से बेलेंगे, जैसे कि हमने इस साइड तेल लगाया उस साइड से नहीं बेलेंगे। और फिर आपको दिख बेला था, और ये लच्छा हमारे बराबर हैं, और ये हमने तवे पर सेक लिया इस तरीके से, और काफ़ी जैसे हमारे लच्छा पराठा तंदूरी में बनता है इस तरीके से लच्छे। और देखिए इस तरीके से एक साइड से हमारा लच्छा पराठा सेक चुका है, और दूसरी साइड से हम सेक रहे हैं, और हमारा लच्छा पराठा रेडी, और ये रेडी। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम, ये हमारे लच्छा पराठा रेडी हो गए। तो हमारे लच्छा पराठा रेडी इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं तवे पे, देखिए और कितने बढ़िया लच्छा निकल रहा है। और चलिए हाँ, तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, कमेंट करके जरूर बनाएं। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, काफ़ी इजी हैं, और हमारी चलिए हमारी संडे स्पेशल थाली रेडी। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, वो काफ़ी इजी है, और आप लोगों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों में शॉर्टकट में दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग खाना बना सकते हैं इतना स्पेशल संडे का। तो बीबी खुश, बच्चे भी खुश, और हस्बैंड भी खुश, और सभी खुशी खुश रहोगे खा के। तो चलिए संडे स्पेशल थाली हमारी रेडी है, और इस तरीके से आप लोग भी रेडी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें।